हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था आपका राज्य शासन कैसे काम करता है, आज बात करेंगे हम लोग फोर्थ नंबर चैप्टर का। इसमें देखेंगे हम लोग लड़के और लड़कियों के रूम में बड़ा होना, इसका टाइटल है चैप्टर का। ठीक, याद रखिए, फिर मैं वही सलाह दूंगा कि इसे एक कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि इसमें ऐसा मुझे आज तक कोई अभी तक शब्द नहीं दिखा। मुझे लगा हो कि आप लोगों को इसकी परिभाषा या इसे समझाने लायक हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है, सरल शब्दों में। ठीक है, तो एक दो बार आप पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, और आपसे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक दो बार देखेंगे आप, आराम से हो जाएगा, बस निकल जाना है। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी आत्मीयता। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियां का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। इस पाठ में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी सीखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, समोआ द्वीप पर बच्चों का बड़ा होना देखते हैं। समोआ द्वीप आपका प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक बड़ा भाग। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, न बड़े वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना चाहिए आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें भी अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते, यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रयास स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करते रहती थी, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलिया बुनना सीखती थी, खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना, अब देखते हैं। निम्नलिखित आलेख 1960 की मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन से लिया गया। कक्षा 6वीं में आने के बाद
लड़के और लड़कियां अलग-अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कर्तव्यों को अजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ऊपर दे दिए गए दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रयास सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रयाग खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग 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 होगा। अगर हम विचार करें तो अंतर प्रया प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय या व्यवसाय का चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप पता है, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो महिलाओं पुरुषों में असमानताएं दिखती हैं ये बचपन से ही शुरू कर दी जाती हैं, इसकी नींव बचपन से ही डाल दी जाती है। जब बचपन से चालू होती है इस तरह नींव पड़ जाती है, असमानता की खाई पड़ जाना जाती है। ठीक है, मेरी माँ काम नहीं करती है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से विमर्ट पर जा रहे हैं। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी को लेकर साथ चल सकती हो? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर साथ हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसमीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओए, क्या तुम वाकई ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। स्त्री सिंह के घर पर हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। हाँ, पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला के कोई काम कहाँ करती। तो जसवीत,
यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती? और एक बार जरा सोचो, इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह है, कितना मजा आएगा। कल हम अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है? बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूँ, याद है ना, ये इनकी मम्मी बोल रही हैं, इनकी पत्नी और जसमीत की माँ। ओह, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को घर से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो। लेकिन बच्चों के लंच लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। इनका बच्चा बोल रहा है, अब इनके पति बोल रहे हैं, क्या? मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। ये पूरी एक परिवार की कहानी है। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था, वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कम्बक चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई हैं? जी, ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि एक काम नहीं करती हैं? और कभी तो इन्हें उन्हें याद दिलाऊं, चाचा और चाची रात के खाने पर आने वाले हैं। पता है आपको, इसमें कहानी में आपको ये बताया गया, पूरी कहानी में निष्कर्ष ये है कि बोल देते हैं लोग कि तुम क्या काम करती हो। जब कोई महिला घर में रहती है, घर का काम करती है, और उसका हस्बैंड या पति बाहर का काम करता है, कोई जॉब वॉब कोई भी काम, तो वो आके यही बोलता है उस महिला से कि वो आखिर तुम करती क्या हो, घर का काम काम थोड़ी है। तो उसी पर पूरी कहानी केंद्रित की गई है, बताया गया है कि कितना काम होता है महिला के लिए घर में। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अधिकांश समाज में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल। हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसमीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया भर में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा है कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वाला बालों का जीवन। देखो, उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का एक दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रिया उन्हें नौकरी पर रखने वाले
उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी इनकी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। इसमें मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। इनका काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। इनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में इन्हें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। इन्हें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब एक खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां इनसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। ये चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। ये दिन भर काम करने के बाद भी बड़ी भूख लगती थी। ये घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में इनके पैर सूज जाते थे। ये मैम साहब से डरती थी, परंतु इन्हें गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या ये दिन भर काम नहीं करते थे? क्या इन्हें खुद सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठे सर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गए विशिष्ट अध्ययन के कुछ आंकड़े। राज्य, ये राज्य स्त्रियों के वेतन, सहायक कार्य के घंटे प्रतिमाह सप्ताह, स्त्रियों के आवेतनिक घरेलू काम के घंटे प्रतिमाह सप्ताह, स्त्रियों के कुल काम के घंटे, पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों के आवेतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों के कुल काम के घंटे। तो इसमें हरियाणा में 23 घंटे स्त्रियों के वेतन सहित कार्य करने के घंटे, स्त्रियों के आवेतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह 30, स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे, पुरुषों के वेतन सहित काम करने के घंटे 38 और पुरुषों के आवेतनिक घरेलू काम के घंटे 2, तो इनके 40 हो गए और इनके 53 हो गए। अब समझ में आया कितना डिफरेंस है। तमिलनाडु की बात करें तो 19 और 35, 40 और 4, इनके 44 और इनके भी इनके 45 55 कितना अंतर है, दिख रहा है कि एक सप्ताह आएगा कि महिलाओं को इतना काम करना पड़ता है और पुरुषों को इतना, कितना डिफरेंस है। लेकिन वेतन किसका ज्यादा है? पुरुषों का अधिक होगा। एक बहुत बड़ी असमानता है महिलाओं का काम और समानता। जैसे हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य
जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चय होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी। यदि करेंगी तो इस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बाल वाड़ियां खोली हैं। शासन ने कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी वाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इसी चैप्टर से संबंधित आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, वैसे भी टेलीग्राम पर डाल दी गई पीडीएफ, ठीक है, देख लेना उसे। इस अध्याय में जो आपके शब्द कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे हमने, उनकी परिभाषा देखी, अस्मिता अस्मिता पहचान, यानी कि यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाले होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की बहन संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है, पहचाना जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है दो गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा का भार संभालती है। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होता है। अवमूल्य, जब कोई अपने कार्य काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देख कर ही कुछ भी ना कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। तो ये था आपका फोर्थ नंबर का चैप्टर, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा हूँ, जो इनमें असमानताएं हैं उन्हीं को बताया गया है, ठीक है। आगे पांचवा चैप्टर देखेंगे, औरतों ने बदली दुनिया। क्या होगा हमारा चैप्टर, औरतों ने बदली दुनिया।